नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार अपने दर्शकों को प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता से रूबरू करा रहा है। इसी सिलसिले में भारी बर्फबारी और बारिश के बीच कड़ाके की ठंड में जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर चलकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड में पहुंचकर यहां के लोगों से निवर्तमान विधायक और सरकार के विकास कार्यों पर जानकारी जाननी चाहिए। वहीं इस दौरान लोगों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं सुरेंद्र धनेत्रा। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा थराली के विकासखंड देवाल में और आज देवाल में हम देवाल की जनता हमारे बीच खड़ी है और हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में देवाल विकासखंड में कितना विकास कार्य सरकारों ने किए या इन 21 वर्षों में राज्य बने हुए उत्तराखंड राज्य बने हुए हो गए। इन जो बारी बारी से राज्य में सरकारें स्थापित हुई उन सरकारों ने विकासखंड देवाल के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में कितना विकास कार्य किया, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हमारे बीच जुड़े हैं उन्हीं लोगों से हम जान लेना चाहते हैं कि जो निवर्तमान विधायक जी रही हैं उन्होंने 5 सालों में आपके विकासखंड देवाल में कितना विकास कार्य किया और क्या उन विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं। तो मैं सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे ये सवाल मेरा है। मेरा नाम महावीर बिष्ट। जैसा कि आपने सवाल किया कि विगत 5 सालों में जो भाजपा के जनप्रतिनिधि विधायक थे यहाँ श्रीमती मुन्नी देवी और मंगनलाल शाह जी, उनके द्वारा क्या काम देखे। यहाँ न सड़क की व्यवस्था हुई, न स्वास्थ्य की, न शिक्षा की। इससे पूर्व इनके कार्यकाल में न तो एक इंटर कॉलेज का उच्चीकरण हुआ, न एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोला। और दूसरा इसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे लचर है। यहाँ एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है देवाल, उसमें न समय से डॉक्टर है, न वहाँ अल्ट्रासाउंड है, न वहाँ एक्सरे मशीन है, कोई भी सुविधा उसके अंतर्गत नहीं। हमने बार बार इस मांग को उठाया कि कम से कम एक हॉस्पिटल इस देवाल के अंतर्गत अच्छा हो। आज भी गर्भवती महिलाएं यहां से बागेश्वर या तो अल्मोड़ा या फिर श्रीनगर जा रही हैं एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए। आप समझ सकते हैं इस पहाड़ की पीड़ा कि एक छोटी से एक एक्सरे करने के लिए हमको जो है दूसरे जनपदों का रुख करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा, शिक्षा के स्तर पर इन्होंने पूर्व में कांग्रेस की सरकार में चाहे वाण हो चाहे गेस हो, उसका इंटर स्तर पर उच्चीकरण हुआ था, चौड़ का हाईस्कूल उच्चीकरण हुआ था, कई स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, स्कूलों के भवन बने थे, लेकिन इस बार शिक्षा के नाम पर इन्होंने एक प्राथमिक स्कूल का उच्चीकरण तक नहीं कर पाया, एक टीचर की नियुक्ति तक यहाँ नहीं कर पाए ये लोग। और आप देख रहे हैं 2 साल से तो पूरा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। वहीं दूसरे यातायात की व्यवस्था की बात हम करें, पिछले उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहीं जहाँ पर अभी आप और हम खड़े हैं यहीं पर जनसभा में कहा था कि यहाँ का विधायक मैं बनूंगा, मुन्नी देवी नहीं, मैं बनूंगा। और आप जो है इस सड़क के लिए उन्होंने उपचुनाव से पूर्व 26 अप्रैल 2018 को एक 26 जनवरी 2018 को एक शासनादेश जारी किया था कि थराली से वाण तक हॉट मिक्स कर दी जाएगी। अगर आप देखिए थराली से वाण तक, अभी मुख्य बाजार में आपके कैमरामैन से कहूँगा देखिए कितने गड्ढे पड़े हुए। पिछले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, पूर्व विधायक थी, इसमें भी काफ़ी काम हो चुके हैं। चाहे विपक्ष से कुछ भी कहे, हम तो ये मानते हैं काम तो हुआ है, भाजपा सरकार में काम हुआ है। चाहे उससे पूर्ववर्ती चाहे कांग्रेस की सरकार थी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इससे पूर्व भी काम हो चुका है और आने वाले टाइम पे अभी देखिए वर्तमान में हमारे जो धामी जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, उनने बहुत अच्छा काम किया, चाहे युवा वर्ग के लिए हो, पर्यटन की दृष्टि में हो, चाहे उसमें देखिए आप ये जनधन से लेकर हर घर पेयजल लाइन से लेकर, और सुनिए और खाद्य में देखिए कोविड का कार्य चला तो आज देखो प्रति जगह हर गरीब परिवार तक कोविड जो इंजेक्शन लगे हर नागरिक तक पहुंचे। और आने वाले 2 साल से ठीक, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, कोविड का मामला है पूरे राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन मैं आपको स्थानीय विकास के मुद्दों पे पूछ रहा हूँ कि विकासखंड देवाल में थराली विधानसभा के अंतर्गत कितने विकास कार्य हुए, क्या होने चाहिए थे, क्या नहीं होने चाहिए थे, मैं उन चीज़ को आपके लेकर सर अगर बात करें तो विकास की बात में आज देखिए हमारी पूर्ववर्ती जो विधायक थी, हमारी निवर्तमान विधायक बोले मुन्नी देवी शाह जी, उनके द्वारा भी हर जगह मतलब सड़कों का भी जाल भी बिछाया गया, लेकिन जो हमारी एक ये मांग थी हमारी, जो ये हमारे जो नंदा देवी जो राजजात है, इसमें भी हमारे एक भारत माल में हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं तुलसी रावत जी द्वारा, इसे भी सांसद में इसका भी उठाया गया। आने वाले टाइम पे इसमें भी बहुत विकास कार्य होने वाले और पर्यटन की दृष्टि भी होने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, पर आने वाले आज युवा चाह रहे हैं आने वाले समय में फिर से पुनः धामी की युवाओं की सरकार बनेगी। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में कोई भी सरकारें आ रही हैं, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या चाहे बीजेपी की सरकार रही हो,
आज भी हमारा आदमी हर तरीके से वंचित है। अब यूपीए वाले घेरते हैं बीजेपी वालों को, बीजेपी वाले घेरते हैं यूपीए वालों को, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जो आज युवा देख रहा है हमारा, कि राजनीति का समीकरण सारा का सारा एक ही है, वही लोग बीजेपी चलाते हैं, वही लोग कांग्रेस चलाते हैं। और युवाओं को दिया जाता है एक जुमला कि हम रोजगार देंगे, ठीक, रोजगार एक, आज हमारी उम्र भी 28-30 साल हो चुकी है, इस विकास खंड क्षेत्र में एक हॉस्पिटल में यहाँ अगर मेरा हार्ट फ्रैक्चर हो जाए तो ना कांग्रेस वालों ने कुछ किया है, ना भाजपा वालों ने कुछ किया है, सीधी सी बात हम बोल रहे हैं। मैं एक युवा हूँ इस क्षेत्र का, आज हम देख रहे हैं ये रोड है, पहले भी वही थी, आज भी वही है, कोई फर्क नहीं है इनमें। यार युवा, यूपीए वाले बोलते हैं हम रोजगार देंगे, रोजगार तो अब भी नहीं था, आज भी रोजगार नहीं है, सारा युवाओं के हाथों में पकड़ा दिए गए डंडे और झंडे, ठीक, और किसी को अपने अस्तित्व का भी कोई पता नहीं है ना। हमें सरकार कब तक सरकार फ्री खिलाते रहेगी, कब तक फ्री अपने बच्चों को पालोगे? बॉन्ड भर रखा है यूपीए या भाजपा वालों ने या झाड़ू वाले ने, जो आम आदमी वाला है, इनने कोई बॉन्ड भर रखा है क्या हमारे लिए कि हम इनकी चमचागिरी करें? बहुत अच्छी बात। चुनाव के टाइम पे रोड में पेंटिंग की जा रही है, चुनाव आने वाले हैं तो अभी लग रहा है कि जो हमारी लाइफ लाइन ये रोड है आपके थ्राली से लेकर मुंदोली वाण तक, इसमें जो है केवल चुनाव ही जो है विकास जरूर हो रहा है। चुनाव आते ही इनको याद आती है विकास की और 5 साल ये लोग भूल जाते हैं। उसका नतीजा ये है कि ये हार के कारण से इन्हें जो है विधायक का टिकट बदला है, ताकि जो है जनता पूरी इस मूड में है कि इनको बदला जाए, और इन्हें जनता के साथ छलावा किया और जनता के जो वायदे के थे वो पूरे नहीं किए। 5 साल में इन्हें बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, लेकिन क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में विकास तो दिखाई देता है कि विकास जो होता है कोई चीज छुपा नहीं रहता है, विकास जो होता है सामने दिखाई देता है, फिजिकल होता है, दिखाई देता है, लेकिन कोई भी विकास इनका नहीं है किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोडों के क्षेत्र में हो, लेकिन चुनावी विकास जरूर हो रहा है। 1 साल या 5-6 महीने से जो है ये काम पर लग गए हैं, उल्टे सुलटे शासनादेश किए जा रहे हैं, घोषणाएँ की जा रहे हैं, लेकिन ये काम कब होंगे? और घोषणाएं कर दिया, किसी में पैसा नहीं डाला जा रहा है, ठेकेदार सारे परेशान हैं, जिन लोगों ने काम कर रखे हैं उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे काम होगा? लेकिन चुनावी विकास जरूर हो रहा है भारत का, और झूठे वादे ये कर करके, इनके झूठे वादों से लोग त्रस्त हो चुके हैं और पूरी जनता मन बना चुकी है और ठग चुके है जनता। 5 साल में ठगने का काम इन लोगों ने किया, झूठे वादे किया, और जनता जो है अब यह है कि इनको जवाब देने के मूड में है कि आगामी चुनाव में इतनी ऐसी स्थिति इनकी है, इनकी स्थिति ऐसी स्थिति है कि जनता इनको बूथ पे गांव में घुसने नहीं दे रही है। भगवानपुर से बीएसपी प्रत्याशी सुबोध राकेश घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने सुबोध राकेश से खास बातचीत की, इस दौरान क्या कुछ कहा सुबोध राकेश ने, सुनिए। इस वक्त न्यूज वीवर इंडिया की टीम खेलपुर गांव में पहुंची है, जो भगवानपुर विधानसभा का बहुत बड़ा गाँव है। सुबोध राकेश जो बसपा से प्रत्याशी है, डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है इनसे बात करते हैं। सुबोध जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है इस बार? अपार जन समर्थन मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं हमारे भगवानपुर विधानसभा में, इस क्षेत्र की वर्तमान निवर्तमान जो हमारी विधायक थी उसकी कार्यशैली से जनता त्रस्त हो गई है। कहीं विकास नहीं, कहीं काम नहीं, कहीं सम्मान नहीं, पूरा क्षेत्र तराही माम 5 साल से कर रहा है। अब की मौका मिला है जनता को कि एक मजबूत सेवक यहाँ पर बनाना है, इसलिए सर समाज अब की बार सुबोध राकेश के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। खेलपुर गाँव जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का माना जाता है, इसमें लोगों का किस तरह उत्साह है देखने को मिला? देखिए, ये बात आपकी वास्तविकता है कि मुस्लिम समाज को कांग्रेस का वोटर कहा जाता है, लेकिन वो समय पुराना चला गया है। अब लोग समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं, अब लोग मात्र ऐसे नेताओं को पार्टी के नाम से वोट देना नहीं चाहते जो वोट लेकर अपनी तिजोरियाँ भरने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, जो आकर जनता को 5 साल में नहीं देखते हैं। और इस क्षेत्र में तो मुस्लिम समाज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है, 5 साल में कहीं एक वोट पूरी किसी बस्ती में नहीं, किसी भी गांव में मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में 90% वोट लगभग लोगों ने दिया था, लेकिन उस 90% वोट का जो उनको विकास के माध्यम से वापस मिलना था सहयोग, वो 1% नहीं मिल पाया। इसलिए आज यहाँ का सम्मानित मुस्लिम समाज भी, उनको एक रास्ता हमने दिया है व्यवस्था का, सम्मान का, वो आज सुबोध राकेश के साथ बहुजन समाज पार्टी के मंच पर बड़ी संख्या में खड़े हो गए हैं। और विकास की सोच रखने वाला इंसान, वो मुस्लिम समाज का हर वर्ग, वो आज सुबोध राकेश के साथ खड़ा है। सुबोध राकेश के साथ है सब लोग, कुछ लोग मौजूद हैं, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम वाजिद अली। किस तरह का विधायक देखना चाह रहे हैं वाजिद भाई? भाई साहब जैसा, सुबोध जी जैसा। क्या खूबियाँ दिखी इनमें?
काम कराते हैं, आधी रात भी जाएं तुरंत मिलते हैं, कोई ये नहीं है भाई अभी है नहीं बाद में आना, चाहे जिस टाइम चले जाओ डायरेक्ट कमरे में चले जाओ, बैठाते हैं पूछते हैं हाँ भाई क्या काम है बताओ, ऐसी बात नहीं काम होता है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज भाई किस तरह का विधायक देखना चाहते हैं इस बार? मैं जो नवयुवक विधायक हो और हमारे रोजगार की शिक्षा की सम्मान की बात करता हो, इस तरह के विधायक हैं जो हमारे सुबोध भाई हैं, जो हर टाइम 24 घंटे सब समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं और इस बार सब समाज ने मन बना लिया है सुबोध राकेश को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जोनी प्रधान जी मौजूद हैं हमारे पास रायपुर के, प्रधान जी क्या कहेंगे? अब की बार सुबोध राकेश जी को जनपार समर्थन पूरी जनता का मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं और पूरी भगवानपुर विधानसभा का सर समाज भारी मतों से सुबोध राकेश जी को विधायक भगवानपुर देखना चाहता है। सुबोध राकेश को भगवानपुर का पूरा जो सर समाज है विधायक देखना चाहता है, ऐसा कहना है जोनी प्रधान का। अब ये आने वाली 14 फरवरी को पता चलेगा कि सुबोध राकेश को यहाँ की जनता चुनती है या नहीं। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। नैनीताल में बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य अपनी जाति प्रमाण पत्र के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हार की डर से दूसरी पार्टी के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बार बार उनकी जाति को मुद्दा बनाकर उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें इस बाबत न्याय मिल चुका है, वो अब तक कई बार सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। निवासी दिखा रखा है इनको, तहसीलदार के द्वारा ये लेटर आया है और लेकिन उसके आरोप पत्र क्या है वो मेरे को लेटर नहीं आया, तो मैंने आज अपना वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है कि इस आदमी के क्या आरोप थे वो मुझे आप लेटर दीजिए, उसके अनुसार मैं आपको अपना जवाब दूंगी। मैंने उनसे समय मांगा है और बार बार देखिए आज ये मेरा 5वां चुनाव है। मैं 2003 में नगर पालिका अध्यक्ष लड़ी, 2009 में मैं जिला पंचायत लड़ी और 2012 में मैंने नगर पालिका के बाद मैंने विधायक लड़ा, 2012 में फिर 2017 में मैंने लड़ा और आज 2022 आ गया है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा से टिकट को लेकर संजय डोभाल से बगावत कर दी है। इसी के साथ संजय डोभाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। संजय डोभाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं आज अपना इस्तीफा देना चाहती हूँ। जिस पार्टी ने आज हमारे साथ इतना अन्याय किया, आज जिस पार्टी ने हमें कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, आज सब पूरी जितनी भी हमारे यमुनोत्री विधानसभा है सब भाई जी ने कांग्रेस पार्टी को एक एक आदमी को जोड़ा, एक एक बहनों को जोड़ा, पार्टी ने यहाँ पे टिकट दिया यमुनोत्री क्षेत्र में, तो आज हम अपने पदों से संपूर्ण जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं सबसे मैं सबका भंग कर रहा हूं आज पूरी पार्टी का। यहाँ चिनारी मैं ब्लॉक अध्यक्ष चिनारी सोड़ राजेंद्र सिंह पंवार। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की तरह यहां पे बिका हुआ प्रदर्शन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो क्योंकि जिसने टिकट खरीदा है वो अपने से बोल रहा है कि मैंने 5 करोड़ में टिकट खरीदा है। टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवप्रयाग में बड़ा जनाधार रखने वाले बीजेपी के बड़े नेता और 2007 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले मगन सिंह बिश ने अपना समर्थन यूकेडी के संस्थापक और नेता रहे दिवाकर भट्ट को दे दिया है। मगन बिष्ट को 2007 में 8,000 वोट मिले थे जबकि यूकेडी से विजय रहे दिवाकर भट्ट को मिलने वाले वोटों की संख्या 11,595 रही। इसी के साथ ही दिवाकर भट्ट प्रदेश में पहली बार मंत्री बने थे। ये सही लाइन पे तभी आएंगे, ये उससे पहले सही लाइन पे आने वाले नहीं है। इनको तो घमंड हो गया कि भाई हमारे पास इनके पास पैसा बहुत है, अंधा पैसा है, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पे जो है चुनाव जीत जाएंगे, तो देखते हैं कौन जो जीतता है। इसी भरम को तोड़ने के लिए जो है मुझे भट्ट जी का वो साथ दे रहे हैं, वो 6,000 वोटों से हारेगा ना। जब भी एक आदमी के साथ एक आदमी जुड़ता है ये तो होता ही, एक आदमी के साथ से एक आदमी खिसकता है तो कमज़ोर होता है, यहाँ जुड़े हैं तो मजबूती तो मिलेगी, बहुत मजबूती। एक और एक 11 होते हैं तो हम 11 हो गए। देखिए रिस्पॉन्स तो मुझे लगता है किसी को भी ख़राब नहीं मिल रहा है।
काशीपुर में चार बार से विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी हाईकमान की तरफ से काशीपुर से टिकट दिए जाने के बाद स्थानीय संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कई दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपने इस्तीफा देते हुए हाईकमान को चेताया कि अगर टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो काशीपुर के बीजेपी लॉबी बीजेपी के नेता राम महित्रा या फिर नगर निगम महापौर उषा चौधरी में से किसी एक को निर्दलीय मैदान में उतारेगी। इस पर जहां अभी भी असमंजस बना हुआ है तो वहीं काशीपुर से बीजेपी विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा ने मेयर उषा चौधरी को अपनी बहन बताते हुए कहा कि वो पिछले 30 सालों से मेरी बहन बनी हुई है और मुझे उम्मीद है वो अपने नाराजगी दूर कर हमारे साथ खड़ी होंगी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है और अभिव्यक्ति जब तक व्यक्त नहीं होगी तब तक शायद जो मन के भाव है वो भी किसी को नहीं बताए जा सकते हैं। और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सब अपना एक आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पदाधिकारियों के अंदर था, कार्यकर्ताओं के अंदर था, संगठन के अंदर था, एक अपना आक्रोश व्यक्त कर अपने प्रदेश नेतृत्व को ये अवगत कराया गया है कि जो कुछ भी हुआ उस वो निर्णय गलत था। एक सबका यही कहना था कि अचानक एक नए व्यक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इसको चुनाव लड़ाई तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। शायद इसी कारण जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो हुआ और सभी ने अपना अभिव्यक्ति को व्यक्त किया और प्रदेश स्तर तक अपनी बात को पहुंचाया। अगर मैं यहीं बोल दूं कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं तो क्या बात सही होगी? वो बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो। तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है? कोई बड़े विरोध बड़े में नहीं हुआ है। दो मुख्य तौर पर दो हमारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे सहयोगी हैं, राम रोहतरा और उषा चौधरी जी, वो मेरी बहन है और उनमें विरोध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विरोध एक आध दो दिन के अंदर अंदर या जल्दी। लालकुआ के हल्दू चौर स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल के आवास पर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंची महिला कांग्रेस उम्मीदवार संध्या डालाकोटी को दुर्गापाल और बोरा समर्थकों ने गेट पर ताला लगाकर अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद महिला कांग्रेस उम्मीदवार संध्या डालाकोटी पूर्व मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल से मिलने की जिद को लेकर उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गई। बता दें कि कांग्रेस कमेटी ने महिला नेत्री संध्या डालाकोटी को लालकुआ से अपना उम्मीदवार बनाया था। अरे केंद्र के संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे इस लालकुआ विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैं उनके पास उनके निवास स्थान में आशीर्वाद लेने आई थी तो उनने जनप्रतिनिधि होने के बाद उनका गेट जब मेरे आने के बाद बंद हो गया और मैं वहाँ पर प्रतीक्षा करते रही, मैं आधे घंटा मैंने वहाँ पर प्रतीक्षा करी और जब उनने माइक से ये बोला कि मैंने कांग्रेस से मैं अब इस्तीफा देता हूँ ये करके, तो तब मैं वहाँ से उठ करके आई। मैं ये कहना चाहती हूँ जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है? से जनता वोट देगी और मैं नहीं चाहती, पता नहीं कैसी जनता उनको आप दोबारा अगर वो लड़े तो वोट दे, पता नहीं कैसे लोग हैं। एक नारी का जो अपमान कर रहे हैं, इतनी देर तक वहाँ पर हम सब लोग बैठे थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, इसका क्या मतलब होता है? आई डोंट नो इसका क्या मतलब होता है। हम सबको पता है कि एक महिला को ये मिल रहा है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार यही जीतेंगी। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भागीदारी निभाई। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, कार्यकर्ताओं में काफी रोष का माहौल नजर आ रहा है। निर्दलीय पद के उम्मीदवार तारा नेगी, जिनका राजनीतिक सफर 1990 छात्र संघ अध्यक्ष DSP कैंपस नैनीताल से शुरू हुआ, वो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं। तारा नेगी का कहना है कि रामनगर और कालाडूंगी में पैराशूट प्रत्याशी उतारे जाने से हम नाखुश हैं, इसके चलते हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म लिया।
देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी की सेवा की है। बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में कांग्रेस की भागीदारी निभाई है और जिस तरह से आज टिकट वितरण हुआ है, एक हम पैराशूट को यहाँ पर उतारा गया है। जैसे रामनगर हमारे नेताजी रणजीत रावत जी ने 5 साल अथक प्रयास करके तमाम जनमानस को अपनी तरफ एक किया था और उनका टिकट काट के एक पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है। और इसी तरह कालाडूंगी में भी, और हम पार्टी के इस निर्णय से नाखुश हैं और इसीलिए मन बनाया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर अपना नामांकन कराएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कर्णप्रयाग विधानसभा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कर्णप्रयाग विधानसभा में एक बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में दिखाई दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में पूर्व डिप्टी स्पीकर स्वर्गीय अनुसैया प्रसाद मुखेरी के बहुत ही करीबी और गढ़वाल लोकसभा के पूर्व यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली लक्ष्मण सिंह रावत कर्णप्रयाग विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की मदद के लिए सीमा सड़क संगठन हमेशा तत्पर रहती है। सीमा सड़क संगठन की तरफ से पहली बार शीतकाल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर नागा में डेटा पोस्ट खोली गई है, जिससे बर्फबारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निलांग नीलापानी सोनम और निलांग नागा जांडुक सड़क को खोला जा सकता है, ताकि सेना और आईटीबीपी के जवानों को बॉर्डर तक पहुँचने में किसी प्रकार की समस्या से दो चार न होना पड़े। कालाडूंगी में ICICI फाउंडेशन की तरफ से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महिलाओं को बाजपुर ब्लॉक के बरहेनी की ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जा रही है। मशरूम को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य है कि मशरूम एक ऐसा उत्पादन है जिसमें खर्चा कम और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ICICI फाउंडेशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशरूम कल्टीवेशन पे ट्रेनिंग दिया। हम लोगों ने ट्रेनिंग के पश्चात कुछ जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, SHGs की महिलाएं, वो व्यक्तिगत तौर पे अपने यहाँ यूनिट लगाई हैं और यहाँ पे जो हम लोग यूनिट लगाए हैं सामूहिक तौर पर है और करीब इसमें 110 बैग बने हैं। एक पर बैग का जो वो है वेट है वो 3 से 4 kg के बीच में है, तो एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 3 साइकिल में 5 से 8 हफ्ते में इसमें से करीब 100 kg मशरूम का उत्पादन हो जाएगा, जिससे कि महिलाएं जो है कम से कम 40 से 45 हज़ार की आमदनी कर सकती हैं। ICICI फाउंडेशन पूरे उधम सिंह नगर में लगभग 10,000 बेनिफिशियरियों के साथ काम करना चाहता है। रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम है ये। इसमें मशरूम का अभी तक अगर हम लोग बात करें तो लगभग 400 लोगों को प्रशिक्षण मिल चुका है मशरूम का, जिसमें से लगभग 70 लोग एक्टिव रूप से आजकल मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं महिलाएँ। उद्देश्य यह है कि मशरूम उत्पादन के माध्यम से महिलाएं वार्षिक रूप से कम 30 से 35 हज़ार रुपए आमदनी कर सकें और यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का मार्केट, ये सब चीज़ों का स्टडी करके ICICI फाउंडेशन की हमारी टीम ने इस यूनिट की स्थापना की है। ये ICICI फाउंडेशन से हमारे यहाँ मशरूम की ट्रेनिंग ली गई है, जिसमें हमारे कुछ SHGs की 25 से 30 महिलाएँ लगभग जुड़ी हुई हैं। इसमें हमने 100 से 110 के बीच में बैग बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा 4 से 4.5 हज़ार के लगभग खर्च आया है और 3 महीने के अंदर लगभग हमें लगता है कि 15,000 रुपये की मशरूम हम बेच लेंगे। उसके हिसाब से हम करना चाहें तो सीजन साल में हम 3 बार मशरूम की यूनिट ले सकते हैं, उससे हम करीब 45,000 के लगभग हम अपना फ़ायदा मुनाफा ले सकते हैं। उसके हिसाब से अगर करना चाहें महिलाएं तो छोटे छोटे स्तर पर भी काम कर रही हैं हमारे समूह की महिलाएं, अपने अपने घरों में थोड़े थोड़े से वो भी उन्होंने लगा रखी है।
14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निर्वाचन आयोग के गदरपुर के आरओ रमेश त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ 2 लोग ही नामांकन कक्ष में आ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक बूथ में ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, जिसका मॉनिटरिंग मुख्यालय से जोड़ा गया है। मुख्यालय से ही पूरी गतिविधियों को नजर में रखा जाएगा। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो चूँकि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और समय से चुनाव होना जरूरी है संविधान के अनुसार, तो चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन इस समय चुनाव जो सामान्य तौर पर होते थे उससे अलग हैं। क्योंकि पहले ये होता था चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और अभी भी फ्री एंड फेयर होना है ये जरूरी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जुड़ गया है कि फ्री फेयर के साथ सेफ चुनाव भी हों। इसके लिए कोविड की गाइडलाइंस के अंतर्गत और उसको फॉलो करते हुए ही सारी प्रक्रियाएं पूरी की जानी है, जिसके क्रम में जो है ये तय किया गया है। कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 31 तक कोई भी रोड शो, जुलूस, रैली, सभा ये प्रतिबंधित है। इसी तरह पहले जो जुलूस में लोग नामांकन करने आते थे वो चीज़ प्रतिबंधित है। अभी के डेट में प्रत्याशी अपने साथ केवल 2 गाड़ियों में वो आ सकते हैं, और आरओ के रूम में जब वो नामिनेशन देंगे तो प्रत्याशी के अलावा केवल 2 लोग ही आरओ कक्ष में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ जो लोग भी प्रवेश करेंगे उनका जो है थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनका जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, तो चिकित्सा भी और सुरक्षा भी और उसके दोनों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस पर राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं को मतदान किए जाने को लेकर जागरूक किया गया। मतदान दिवस पर कॉलेज प्रचारक की तरफ से छात्रों को शपथ भी दिलाई गई। हमारे स्कूल में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये NSS कैंप लगता है, तो आज हमारे सर ने इस दिन के रूप में मनाया है NSS को भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी हम सभी को अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ना कि आजकल जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, हमें उससे ऊपर उठ के अपना मतदान का सही प्रयोग करना चाहिए। NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में महाविद्यालय में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, और चूँकि आज हम अपने 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो हमारे छात्र हैं, स्वयंसेवक हैं, उनमें भारत में जो लोग। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।